हेलो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है मीरा रोड हाईवे और हम आए हैं यहाँ पे होटल फाउंटेन, जो कि बहुत अच्छी होटल है। और बाहर से इसका लुक वाइज देखेंगे तो आपको रुकने का दिल कर जाएगा। ये बिल्कुल महाराष्ट्र और गुजरात के सेंटर में आती है और यहाँ से गुजरोगे तो आपको बिल्कुल नज़र आ जाएगी। और आज तो डिस्प्ले के अंदर जो है यहाँ तुर्किश डिशेज सारी लगी हुई है, तो देखें आप यहाँ पे, पहले गए थे तब यहाँ पे फिश वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे, लेकिन अभी आज तुर्की डिश आपको डिस्प्ले पे लगाई हुई है। आपको इनमें से कौन सी डिश अच्छी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ में ही देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाई है, ये है पनीर की बिरयानी, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी थी। देखिए आपको देखने में किस तरह से लगती है, कितनी मसाले से लबालब है और बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे से क्लिप जो है आगे पीछे हो गई है और इसके बाद में हम लोगों ने पहले वो मंगाया था। और ये देखें यहाँ पे ऊपर जो है अरेबियन रेस्ट्रो खुला हुआ है, तो इसकी जो है पूरी एडवर्टाइजिंग चल रही है। दो दो डिस्प्ले इतनी बड़ी बड़ी लगा के रखे थे बाहर की साइड पर कि पब्लिक देखे और उनका खाने का दिल कर जाए और ट्राई करने के लिए। तो हम गए नहीं थे, दोबारा जाएंगे तब जो है ऊपर ट्राई करेंगे कि अरबियन डिश किस तरह की है, कैसी है। तो यहाँ देखिए ये वाली खाना इतना उम्दा रहता है, इतना अच्छा रहता है कि इसे हम किस तरह से मिस कर सकते थे। ये चिकन ग्रेवी इतनी मज़े की, थोड़ी है कॉस्टली रहती है लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर रहता है। तो यहाँ का खाना हमें हमेशा याद ही रहता है। और हम लोगों ने यहाँ पे कई बार रुक चुके हैं और हज पढ़ने गए थे तब तो हम लोगों ने रूम भी बुक करवाया था। बहुत अच्छे रूम के भी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं और बहुत अच्छी सर्विस भी बहुत अच्छी है यहाँ की। और यहाँ देखिए हर तरह का आपको यहाँ पे टाइम वगैरह निकालना और स्पेंड करना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा दिन इतनी रौनक लगती है और कहाँ कहाँ से पब्लिक जो आती है, आती जाती है और रुकती है, तो आपको बहुत मज़ा आएगी यहाँ पर रुकने की। आप भी ज़रूर इधर विज़िट कीजिएगा और रुकीएगा और देखिएगा। और ये देखिए हम लोग आइसक्रीम ले रहे हैं यहाँ पे, तो आइसक्रीम के पार्लर के पास आए, लेकिन ये तो देखिए कि बाहर से 50 रुपया कम है यहाँ की आइसक्रीम के प्राइस। और मुझे जो ट्राई करवा रहा था ये बोल रहा था कि बबल गम करके नई फ्लेवर है तो उसे ट्राई कीजिए। और इतने सारे जो फ्लेवर्स के साथ में थे, मैं कन्फ्यूज थी कि मैं कौन सा लूँ, तो ये सब ट्राई करने के लिए बता रहा था और ये बबल गम का फ्लेवर था। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको गुजराती थाली, यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, बाजू में ही जो गुजराती थाली और पंजाबी थाली मिल रही थी तो यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी, तो हम लोगों का ये ट्राई करने रह गया। और यहाँ पे जो है यहाँ इतनी सारी शॉप्स है, इसके अंदर आपको पानी पूरी, रगड़ा पेटीज, पाव भाजी, वड़ा पाव, हर चीज़ की जो है आपको जो जो खाने का मन करता है सब चीज़ें मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको शॉप करनी हो कि जमजम में से आपने जो है अफलातून वगैरह नहीं लिया तो वो भी मिल जाएगा। बच्चों के लिए भी बहुत सारे जो है खिलौने वगैरह ये सब रह जाते हैं और ऊपर से जो एंटीक पीस है ये भी अच्छे खासे जो है यहाँ पे शॉप हैं। तो मैंने पूरे वीडियोस नहीं बनाए थे, मेरा मोबाइल जो है बैटरी लो हो गई थी तो मैंने अपना मोबाइल को यहाँ पे चार्जिंग में रखवा दिया है और मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल को लेके जो है यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड के मोबाइल से मैंने सारा के सारा ये रिकॉर्ड किया हुआ है। और इसके साथ में देखिए उल्टा पुल्टा हो गया, मैंने बबलगम की आइसक्रीम मैंने अपने लिए ली थी लेकिन ये मेरी बेटी ले लेगी और मुझे जो है अपने न्यूट्रेला आइसक्रीम का कप मुझे संभा दे दिया है। तो इस तरह से जो है ये मेरी बेटी भी सर करती है। और देखिए ना बम्बई में तो हम लोगों 2 दिन रुके लेकिन 2 दिन हमें कहीं घूमने का इतना सब ज़्यादा नहीं हुआ। अभी जो है मन अधूरा ही रह गया है मेरा कि मुझे चौपाटी भी जाना था और प्रॉफिट मार्केट, मनीष मार्केट वहाँ पर भी घूमना था, जूतागढ़ जाना था, कमला नेहरू पार्क जाना था। इतना सब प्लान बना के रखे हुए थे लेकिन थोड़ी जगह पे जा सके। हालांकि हाजी अली भी इन्होंने कैंसिल करना था लेकिन मैंने ज़िद की कि नहीं मुझे हाजी अली दरगाह पे तो जाना ही है, तो वहाँ पे भी चले गए। तो इसके बाद में जो है इन्होंने क्या कहा था कि शाहरुख खान का उनका घर सबको देखना था लेकिन हम लोगों ने जो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं गए वहाँ पे साइड पे सलमान खान का, शाहरुख खान का घर देखने के लिए। तो ये रह गया है सब, बहुत सारी चीज़ें जो है रह गई है 2 दिनों में, तो इतना सब घूमने फिरने का हुआ नहीं और अच्छा खासा जो है 2 दिन इस तरह से निकल गए। और थक तो इतना जाते हैं कि कितनी महंगी से महंगी होटल लो तो नींद तो बिल्कुल नहीं आती, जगह चेंज हो जाती है तो, और अच्छा खासा जो है बजट भी हाई हो जाता है। जब बजट बना के जाते हैं वो हिसाब से तो ज़्यादा ही पकड़ के चलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए फाउंटेन में कितनी अच्छी, यहाँ पे फाउंटेन के पास जो भीड़ लगी हुई है तो पब्लिक बैठी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे बैठती हूँ और यहाँ का एंजॉय करती हूँ। ये बहुत मुश्किल से जो है यहाँ पे जगह मिलती है, हालांकि चेयर्स वगैरह तो यहाँ वहाँ लगी हुई रहती लेकिन जब फाउंटेन के पास बैठने का तो कुछ अलग ही मज़ा रहता है। यहाँ पर देखिए मुझे जगह मिल जाए, मैं सोच रही थी तो काम बन जाए। शोर शराबा तो इतना था कि सीटियाँ ही बजा रहा था गार्ड तो यहाँ पे, और सब पब्लिक को हैंडल कर रहा था, यहाँ वहाँ गाड़ियाँ सब लगाई रही थी तो गाड़ियाँ निकालना और डालना ये सब इसने ड्यूटी लगा के रखी थी। इतना शोर शराबा था और इतनी मज़ा आ रही थी। तो ये देखिए ठंडी ठंडी फुहारे जो है पानी की यहाँ से बरसेगी और हम इंजॉय करेंगे पूरी तरह से। और ये डिस्प्ले पे जो इतनी अच्छी अच्छी डिशेज बता रहे हैं उसे भी हम देखेंगे। और सेकेंड टाइम आने के लिए मैं सोचती हूँ कि जाऊँगी तो ये अरेबियन डिश जो है मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और ऊपर भी जाएँगे, ऊपर का तो वीडियो मेरा बनाना ही रह गया है। और हाँ
हाँ देखिए मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, तो इसमें से आपको कौन सा मेरा वीडियो अच्छा लगा और कौन सी होटल अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते और मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।